निजी प्रवास पर जबलपुर पहुंचे राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जूली ने टाउन हॉल में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश के अंदर डर और भय का माहौल है। जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ाया जा रहा है, क्योंकि आज वोटों की राजनीति की जा रही है, जिसके चलते संवैधानिक संस्थाओं और संविधान को कमजोर किया जा रहा है, जिसे देखते हुए देश को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिनके सदस्यों ने देश को एकजुट रखने के लिए अपनी जान तक गवा दी। आप जबलपुर आ रहे हैं मार्च राहुल गांधी का तरीके से पूरा। देखिए, राहुल गांधी जी इस देश के बारे में सोचते हैं, वो उस परिवार से हैं जिस परिवार ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दी। सही, महात्मा गांधी जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी जी हों, जिन्होंने देश के लिए चाहे अपनी जान दे दी हो, लेकिन देश को एकजुट रखा। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर बना है, लगातार एक डर और भय का माहौल देश के अंदर है, जाति, धर्म और संप्रदाय आपस में लड़ाए जा रहे हैं, वोटों की राजनीति की जा रही है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर देश के अंदर पूरे देश को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी जी जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, मैं समझता हूं देश में इतनी बड़ी पदयात्रा कभी निकली होगी। राहुल गांधी जी पूरी यात्रा लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा से देश के अंदर बहुत बड़ी जागृति आएगी और कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूती के साथ आम जन की आवाज को उठा पाएगी। बीजेपी कह रही है अस्तित्व बचाने वाली यात्रा है, राहुल गांधी निकाल रहे हैं ये अस्तित्व। कांग्रेस का अस्तित्व की चिंता इनको करने की कहां जरूरत है? आज भी पूरे देश के अंदर कांग्रेस हर घर के अंदर है, देश के हर कोने के अंदर है। बीजेपी ने जितना चाहे बवंडर मचा लिया है, जितना चाहे दिखावा कर लिया है, जितना चाहे राज का दुरुपयोग कर लिया है, जितनी चाहे चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया है, लेकिन आज बीजेपी ये नहीं कह सकती कि हम पूरे देश के अंदर हैं। हम कह सकते हैं कि आज भी उस गरीब की झोपड़ी के अंदर कांग्रेस की फोटो मिलेगी, जो ये मानता है कि कांग्रेस ने यहाँ तक हमें पहुँचा है। जो देश का इतिहास है, 75 साल तक देश यहाँ तक जो पहुँचा है, मोदी जी लेके आए हैं क्या उसको? वो इतिहास कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, जिनने नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, राजीव गांधी जी ने जिस प्रकार से देश को यहाँ तक पहुँचाया है, इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी का मैं कहना चाहूँगा योगदान है। आज ये लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो लोकतंत्र दिया है वो कांग्रेस ने दिया है, तो कांग्रेस के अस्तित्व बताने की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस पूरे देश को एकजुट करना चाहती है, एक रखना चाहती है, आपस में भेदभाव की राजनीति नहीं करना चाहती है। दोस्तों, न्यूज ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।